हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज मैं कुछ बहुत अलग करने जा रही हूँ जो इससे पहले मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं किया। आई हैव हर्ड अ लॉट अबाउट गीतांजलि सक्सेना जी थ्रू माय क्लोज फ्रेंड्स एंड दैट आई हैव टू कम हियर एंड मीट हर। वो एक जानी मानी टैरेट कार्ड रीडर, एक एस्ट्रोलॉजर है। ये मैं अपनी लाइफ में पहली बार करने जा रही हूँ, सो आई होप इट्स अ गुड एक्सपीरियंस एंड आई एम क्वाइट एक्साइटेड अबाउट इट। सो लेट्स गो। So, ये है गीतांजलि मैम का ऑफिस। सो लेट्स गेट। हाय गाइस, जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैं गीतांजलि मैम के पास आ चुकी हूँ। आई एम सुपर एक्साइटेड। आप लोग इनको देखते ही पहचान गए होंगे क्योंकि आप लोगों ने इन्हें संभावना सेठ के व्लॉग में देखा होगा। संभावना हर साल आपके पास आती है। मैं संभावना के व्लॉग्स जो है वो बहुत अच्छे से फॉलो करती हूँ, तो इसलिए मैंने संभावना के ब्लॉग में आपको देखा। और संभावना ने क्लियरली बोला है कि बहुत ही डायरेक्ट है और बिल्कुल साफ जो भी है आपके मुंह पे बोलेंगे। तो मैंने कहा बस यही चाहिए हमको, यू नो, कड़वा ही सही पर सच सुनना है। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू सो मच, आपने अपना टाइम निकाला मेरे लिए। तो मेरे मन में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। मैंने ये पहले कभी ट्राई नहीं किया, मैं फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ। आई होप यू आर सैटिस्फाइड। Fingers crossed. Okay. आपका पूरा नाम बताएंगे जरा? चारु असोपा, like after marriage, it's चारु असोपा से। और उसके पहले क्या था? चारु असोपा, असोपा is my maiden name. Yeah, like it's my father's surname. Sen. Date of birth, चारु? 27 Feb 1988. Yeah. आपके लाइफ में स्ट्रगल्स रही हैं? बिकॉज आपके नंबर्स में थोड़ा सा स्ट्रगल्स दिख रहा है। बहुत स्ट्रगल्स हैं आपके लाइफ में? लाइक मुझे किसी भी चीज़ के लिए बहुत स्ट्रगल करना, जो लोगों को बहुत इजीली मिल जाता है, मुझे उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है छोटी छोटी चीज़ों के लिए, लेकिन आपको मिलेगा। सो आपकी न्यूमरोलॉजी से तो मैं पहले ये बोल सकती हूँ कि स्ट्रगल्स काफ़ी हैं। कभी कभी आपको चीज़ें अपने हिसाब से करवाने के लिए आपको थोड़ी सी डिप्लोमेसी और टैक्ट भी यूज़ करना पड़ता होगा लाइफ में, राइट? फ्रॉम मेरे साथ एक प्रॉब्लम आ रही है कि मैं ना आई थिंक मैं थोड़ी ज़्यादा इमोशनल हूँ, तो मैं या तो वाइट या ब्लैक हो पाती हूँ। मैं बीच में जैसे ग्रे, हाँ, डिप्लोमेटिक नहीं हो पा रही हूँ, तो शायद इसलिए मेरी लाइफ पर्सनल लाइफ में थोड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। हाँ, तो मेरे को वही आपको बोलना था कि थोड़ा अपना काम निकालने के लिए मैं वही आ रही थी, आपको डिप्लोमेटिक होना पड़ेगा। बट यू नो हाउ टू डू इट, इफ यू वुड पुट योर माइंड टू इट, यू कैन 100% डू इट। इमोशनल आप बहुत हो, देयर इज अ थर्ड पॉइंट आई वाज कमिंग टू, देयर इज टू मच ऑफ प्रेजेंस ऑफ द नंबर टू, तो बहुत इमोशंस है, मतलब बहुत जल्दी परेशान हो जाना, बहुत जल्दी एंग्शियस हो जाना, बहुत जल्दी ये बोला रहे अब क्या होगा, दोज काइंड ऑफ थिंग्स आर देयर। So because of that, you know, it's going haywire. Like there is too much of a lot of things. But सबसे अच्छी बात आपके numbers में, मुझे क्या अच्छा लगा? आपके नंबर में फेम है, तो आपको नेम एंड फेम तो मिलेगा ही। अब हमें देखना है कि क्या आपका नेम एंड फेम इस टाइम पे है, हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देखो चारू, आपका आई डोंट नो कि आपका क्या एज हो चुकी है, पर 43 एज तक आपके लाइफ में स्ट्रगल्स है। 43? आई डोंट नो हाउ ओल्ड यू आर, 33। हाँ, तो अभी भी आपका अच्छा टाइम चल रहा है। 35 के बाद, 35 टू 43, देयर विल बी अ पीरियड व्हेन यू मे फाइंड सम प्रॉब्लम्स एट दैट टाइम। करियर वाइज और पर्सनल I will see that क्या है। न्यूमरोलॉजी सिर्फ इतना बता देगा कि प्रॉब्लम्स है। शनि आएगा, स्ट्रगल्स देगा। अगर मैं शनि को देखूँ, शनि इज अ सेपरेटिव प्लैनेट, मतलब वो सेपरेट करता है, तो वो खुशी नहीं देता है। तो इस वजह से आपको थोड़ा, आप स्पिरिचुअलिटी के अध्ययन की तरफ चले जाएंगे, रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम आ सकती है, करियर में मुझे नहीं दिख रहा है, मोस्टली टू डू विद द रिलेशनशिप या फिर हेल्थ इश्यू। दोनों जगह में से किसी को एक जगह पे शनि आएगा, बट मैं उसका आपको सोल्यूशन अभी दे देती हूँ। फ्रॉम एज इट इज आपको पहनना चाहिए, आपको एक सात मुखी रुद्राक्ष पहनना चाहिए। अच्छा, हाँ, वेयर अ सात मुखी रुद्राक्ष जस्ट एज अ स्मॉल बीड, यहाँ पे भी पहन लोगे तो भी अच्छा रहेगा। और वो आप पहन के रखोगे तो जो आपका जो मैलिफिक शनि है, वो आपको जो स्ट्रगल्स, देखिए अभी तो अच्छा टाइम चल रहा है,
तो अब अच्छा टाइम चल रहा है तो हॉलीडे अच्छे टाइम में भी मैं इतना परेशान हूँ तो जब बुरा टाइम आएगा तो क्या होगा। मैंने आपको पहले कहा था कि मैं बता देती हूँ हाँ। क्या है क्या नहीं है, देन यू हैव टू डिसाइड, बिकॉज आई फील अगर एक बंदे को पता है कि ये लाइफ होने वाली है तो वो ज्यादा परेशान नहीं होता है। मैं उस चीज का सोल्यूशन बता देती हूँ। ओके अच्छा, ये चीज तभी होगी, चलो हम आपकी एस्ट्रोलॉजी भी देखेंगे तो हम ये भी देखेंगे, कॉम्बिनेशन करके देखेंगे, अगर यहाँ पे टाइम अच्छा है तो ये टाइम ऑफसेट हो जाएगा। अच्छा, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अगर एस्ट्रोलॉजिकली आपका टाइम अच्छा आ रहा है तो फिर इसका इफेक्ट 30% ही आएगा या 20% ही आएगा। वैसे भी हमने आपको इसका रेमेडी दे दी है, तो जो होने वाला है वो आपको मैं पहले से बोल देती हूँ। जो लेट अस सी, बिकॉज ये 100% आपके ऊपर नहीं आएगा, बिकॉज आपकी खुद की विल पावर होती है, खुद की पूजा पाठ होती है, खुद का आपका भाग्य और आपके नंबर्स का भाग्य। तो कभी कभी जब ये टाइम खराब है पर एस्ट्रोलॉजी के आपका टाइम अच्छा है तो बैलेंस आउट हो जाता है, तो डोंट वरी अबाउट दैट। आफ्टर द एज ऑफ 43 यू आर गोइंग टू रॉक, यू देयर विल बी अ चेंज इन योर करियर और यू विल स्टार्ट समथिंग न्यू एंड यू विल कंटिन्यू टू वर्क टिल द एंड ऑफ योर लाइफ, क्योंकि आप नंबर वन में आ रहे हो। काम करना आपको बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। I love working. Yeah. मैं घर बैठती हूँ, मैं पागल हो जाती हूँ। तो काम करना आपको बहुत अच्छा लगता है और सबसे अच्छी बात है कि आपको और भी काम आपको मिलेगा। अब एंड टिल द एंड ऑफ योर लाइफ विल कीप ऑन वर्किंग, सो वर्क विल नेवर गो अवे फ्रॉम यू। अभी भी आपका टाइम खराब नहीं है चालू, इमोशंस है, इमोशंस का ऊपर नीचे हो रहा है जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो अभी के लिए गौरी शंकर रुद्राक्ष पहन सकते हो, दिस विल हेल्प यू टू ईज आउट दैट नंबर टू का जो इमोशनल इफेक्ट है ना आपका, इट विल हेल्प यू टू ईज आउट। ओके ठीक है, अब आप मुझे मेरे करियर के बारे में बता दो। हाँ जी जरूर, कि मैं आगे आने वाले टाइम में कोई सीरियल करने वाली हूँ या कोई अच्छा प्रोजेक्ट मेरे हाथ में आने वाला है। तो हम है ना एक साल का करते हैं, ये साल से दिस ईयर इन अक्टूबर इस साल की तो अक्टूबर का देख लेते कि ये साल में आपको कुछ होने वाला है, फिर आप 2023 पे जाएंगे। ठीक है ठीक है, तो आप मुझे 3 cards, 5, 7 जितना आपको मर्जी आए आप वो कार्ड निकालिए और मुझे पूछिए आपको कोई सीरियल या कुछ ऐसा कुछ काम आने वाला है क्या। ठीक है, आपको आया तो था अभी थोड़े टाइम पहले, आपने लिया नहीं? एक आया था मई जून में, आया था कोई, पैसा इतना ऑफर नहीं देता। हाँ, पैसे नहीं थे, पैसे नहीं थे। हाँ, ओ हाँ, पैसे नहीं दे रहे थे, पैसे बहुत ही कम पैसे थे, बहुत ही कम पैसे थे, वही बोलो। हाँ, बट आपको लेना चाहिए था, लेना चाहिए था। तो अभी अब कुछ आने वाला है, अब कुछ अब आएगा, मुझे दिख रहा है ये साल में या फिर अगले फरवरी तक आएगा, पर अगेन वही पैसे थोड़ी कम ही रहेंगे, तो मुझे ले लेना चाहिए, ले लेना चाहिए। पैसे अभी आपको उतना मिलेगा नहीं वहां से, बट आपको फिर भी लेना चाहिए फॉर एस्टैब्लिशिंग योरसेल्फ एंड गिव मी कार्ड्स फॉर 2023 नाउ। उससे पहले एक और सवाल पूछ, आपका जितने पूछने पूछो। अभी एक शो के लिए मैं शॉर्टलिस्टेड हूं, एक कोई वेब सीरीज है, शॉर्टलिस्टेड हूं, तो क्या मैं वो करने वाली हूं? हां, 3 cards निकाल दो। ये मिलेगा, अगर ये आ गया तो 13 November तक आ जाएगा, तो चांसेस बहुत कम है, सो डोंट काउंट योर होप्स ऑफ दिस शो। ओके, 2023 का बता दो। पता नहीं हाँ करके क्यों ना होगा, या फिर शायद कोई दूसरा रोल मिले। ओके, 2023 में आपको काम। 3 cards ओके, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, आपका काम इतना अच्छा नहीं दिख रहा है फॉर योर कैसे बोलते हैं टीवी शोज और इस सब के लिए, काम इसका आपका अच्छा है नहीं। आपने कुछ सीरियल किया है इस साल? इस साल कुछ भी नहीं किया मैं, तो पिछले जब से मैं प्रेग्नेंट हुई उसके बाद से मैंने काम ही नहीं किया।
1.5 साल 2 साल हो गए हैं। तो I'm going to tell you something different. I want you to come for some healing sessions. Okay. But you will have to come for some at least 5 to 7 healing sessions because there could be some energetic influence also. So we need to remove that. It's not as if you're not a very good actress, you're not getting work, but there is something कि आपका काम वहाँ तक पहुँच के ना हो जाता है। मुझे नहीं पता आपने कभी महसूस किया कि यार 1.5-2 साल में तो बहुत हुआ होगा। बहुत हुआ है। हाँ। मुझे उसके पहले का नहीं पता, हम 1.5-2 साल की बात कर रहे हैं। So you please come in. You don't need to come here. I'm not asking you to come here. Be at your home. We'll do a Zoom call. Zoom call पे there will be people who will like that. I got lot of people who come to me for healing sessions. देख रही हूँ प्रॉब्लम है इसलिए बता रही हूँ। अगर काम यस होता तो मैं करती हूँ कि जो इसके पहले भी आपने पूछा ना वो आपके पास आके ही जा सकता है। So, we still have time till 13th of November to try for this. अगर healing session से चेंज होता है, why not we can definitely, मैं ये बोलती हूँ ना हमारे पास ये चीज आने वाली है, there is some blockage in ourselves holding which we block our work. Let's try to remove the blockage and let's see कि आपको काम मिल जाता है। Because 13 November तक हमारे पास time है। वो पहले वाले काम के लिए। तो आपका जो mind है ना, that is not attracting the right kind of work. I don't know if you're able to understand what I'm trying to say. ठीक है, मैं 1 मिनट पहुंचूंगी कि नहीं और पहले पहुंचूंगी कि नहीं फिर उसके बाद मैं कब पहुंचूंगी, सो 3 कार्ड्स पर पहुंचूंगी कि नहीं। ठीक है, लेकिन 100% पहुंचोगे। आपको है ना, मैं अभी से एक एडवाइस दे रही हूँ, स्टार्ट कोलैबोरेटिंग विद अदर इन्फ्लुएंसर्स टू रीच दिस गोल फास्टर। ये है मेरे दिमाग में, सो एक दो लोगों से मैंने बात कर रखी है, मैं उनको दूंगा। या सो यू विल बी रिक्वायरिंग सम काइंड ऑफ अ नेटवर्किंग इफ यू वांट टू रीच दिस गोल। ओके, नाउ गिव मी 1 कार्ड फॉर विद इन 1 ईयर, 1 कार्ड फॉर विद इन 2 ईयर्स, 1 कार्ड फॉर विद इन 3 ईयर्स। Is it possible कि आपको 3 साल लगे पहुंचने को ये गोल? हम बताओ। क्योंकि मुझे मुझे क्या दिख रहा है कि आपको टाइम लगेगा ये गोल पहुंचने को 1 मिलियन। मुझे नहीं पता क्यों, बट आपको टाइम लग सकता है ये 1 मिलियन पहुंचने में। 3 साल से भी ज्यादा? गाइस कुछ करो, सब्सक्राइब करो प्लीज। देखिए, अगर आपने जो फोकस एफर्ट मैंने जो आपको बोला है वो अगर आपका मैंने देखा और आपकी हीलिंग हुई, लेट्स स्टार्ट वर्किंग ऑन यू इंक्रीजिंग योर फॉलोअर्स और इंक्रीजिंग योर वर्क। ठीक है, अगर आपने ये किया तो आप जुलाई अगस्त नेक्स्ट ईयर तक आपका 1 मिलियन है। पर मुझे पता है क्या दिख रहा है, आप थोड़ा करते हो फिर कॉन्टेंट आप थोड़ा सा ध्यान कम देते हो, am I correct? Yeah. इसकी वजह से थोड़ा एफर्ट्स डालने पड़े, एफर्ट्स डालने, आपके एफर्ट्स ही नहीं दिख रहे मुझे। अभी आप जैसे बहुत चार्ज्ड अप होंगे फिर सडनली यू नो बिकॉज़ ऑफ दैट इमोशनल टर्मोइल, ऑल दोस इमोशनल थिंग्स, यार लाइफ में इतने उतार चढ़ाव आते रहते कि मैं कभी हाई पे उस पे होती हूँ, कभी एकदम लो हो जाती हूँ, फिर भी आई पुश माई सेल्फ टू यू नो कि मैं काम करते रहूँ, मैं बहुत पुश करती हूँ खुद को। बट अभी तो मैंने आपको रेमेडीज दी है ना, लेट्स ट्राई दोस रेमेडीज एंड लेट्स स्टार्ट योर हीलिंग ताकि आपका हो जाए। बिकॉज मुझे प्रॉब्लम पहुंचने में नहीं, आप तो 3 महीने में पहुंच सकते हो लेकिन आपका एफर्ट नहीं दिख रहा है। फोकस करें तो हो जाएगा, जुलाई तक हो जाएगा, नहीं तो फिर 2-2.5 साल दिखे। ठीक है, सो टैरो इज ऑल अबाउट गाइडेंस। सो डेस्टिनी में लिखा है कि आप 1 मिलियन पहुंचोगे, ये मैं आपको गारंटी देती हूँ। अगर आपको ये टाइम फ्रेम चेंज करना है तो एफर्ट्स आपको एफर्ट्स अपनी तरफ से करेंगे, बस ये गाइडेंस ही तो चाहिए होता है। हाँ, पर अगर पहुंचोगे ये मैं आपको साइन करके दे सकती हूँ कि यू विल 100% रीच, बट द ओनली थिंग इज योर एफर्ट्स। एफर्ट्स होंगे तो आप साल भर में पहुंचोगे, एफर्ट्स आप नहीं करोगे तो 2.5 से 3 साल में पहुंचोगे। अब आपके ऊपर है कि आपको कब पहुंचना। मुझे गूज़बम्स आ रहे हैं मैम से बात करते करते, क्योंकि इतनी सारी बातें जो मुझे से लगता है कि कुछ बातों में तो मैं सरप्राइज थी कि
आपको ये सब पता है, like really. I'm glad. I'm so happy I came here. I'm glad. अच्छा मुझे ट्रैवल की अगर हम बात करें तो आप मुझे ये बता दीजिए कि 1st November ज़ियाना का बर्थडे है, तो आप मुझे ये बताइए कि 1st November को हम ज़ियाना का बर्थडे दुबई में सेलिब्रेट करेंगे या इंडिया में करेंगे, क्योंकि अगर मुझे कुछ काम आ गया तो हम नहीं जा पाएंगे. सो गिव मी 1 card फॉर दुबई एंड 1 card फॉर इंडिया. 1st November में आप कहाँ पे? ठीक, ज़ियाना का बर्थडे इस बार दुबई में होगा कि इंडिया में होगा? ठीक है, एक दुबई और इंडिया का करते हैं. कहाँ होंगे पहले तो आप? ठीक है, इन दोनों में से कहीं नहीं हुए तो फिर हम कहीं हो यार हो गए. ये कहाँ है? दुबई का भूल गई. ऐसा मत करो. पहले दुबई का निकालती हूँ और एक इंडिया का निकालती हूँ. दिस इज दुबई, इंडिया. दुबई 110% यू विल बी इन दुबई. ओके, मैं अपना खुद का एज इन अपने पैसे से जो मैं काम करती हूँ उस अपने पैसे से क्या मैं कभी घर बना पाऊंगी? वेरी गुड. कितने कार्ड आपको निकालने? निकालिए. Really? 100% बेटा, 100%. 100% बनाओगे? This is the happiest thing. थोड़ा टाइम लगेगा. 3 to 4 years. 3 to 4 years में? छोटा ले लोगे? ऐसा नहीं बोल रही कि बहुत बड़ा लोगे. लेकिन 3 to 4 years में घर आ रहा है आपका. Super. बल्कि आपको कोशिश भी कर लेनी चाहिए. तो आपका घर या फिर 3 साल में बन जाएगा या फिर इट विल गो टू 8-9 years, बट फिर जब 8-9 years में बनेगा तो बहुत अच्छा और बहुत बड़ा बनेगा. सो चारू, आई होप यू आर सैटिस्फाइड. सैटिस्फाइड, आई कांट टेल यू हाउ हैप्पी आई एम. आई एम सो थैंकफुल टू संभावना से, बिकॉज यू नो उनका ब्लॉग देख के मैं आपके पास आई और मैं आपको बता नहीं सकती मैं कितनी खुश हूँ आपसे मिलके. मुझे जो गाइडेंस मिला है और कुछ बातें तो इन्होंने ऐसी बताई जो जिन्होंने मुझे गूज़बम्प्स दे दिए कि यू नो शी वॉज सो ट्रू. तो संभावना जो बोलती है कि ये बिल्कुल सच बोलती है, वो बिल्कुल सच बोलती है. शी इज टू द पॉइंट, मतलब यू नो इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड है, उनको घुमा फिरा के बात करनी नहीं आती है. ये एकदम सीधी बात करती है, सीधी सपाट बात करती है. आई थिंक हमें वही सुनना था. हाँ, मतलब मैं अगर उनसे कुछ पूछ रही हूँ वो बोलेंगे हाँ तुम्हारी लाइफ में सब अच्छा है, तो मुझे यू नो आपने मुझे बताया कि ये सब प्रॉब्लम्स आने वाली हैं, उसका सोल्यूशन बताया. हाँ, I think I'm very overwhelmed right now. Ma'am, can I please hug you? Yeah, definitely. I would also love to hug you. Thank you so much for coming. Thank you so much. So, इनका contact number और जो भी contact details हैं वो मैं description box में डाल दूँगी. Please contact her. Thank you. Thank you. Bye.